ब्रॉड फील हो रहा है कि पहले ज़माने में ऐसा था कि आपको सिर्फ ओलंपियन बनना था, बट 2021 में आपको ओलंपिक मेडलिस्ट बन गया। एंड नेक्स्ट टाइम अभी इस बार आने के टाइम सबको दिमाग में इतना था कि यार जो मेडल लेके गए थे लास्ट टाइम उससे भी अच्छा वाला मेडल लेना है, बट अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स में हम लोग को जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बट स्टिल हम लोग घर जा रहे वापस एक मेडल के साथ, इससे अच्छा वाला क्या चीज़ होना चाहिए। 336 मैच दीवाल को हम आगे मिस करेंगे। देख जर्नी आसान नहीं था, बहुत टफ था, बट इससे ज़्यादा मैं उम्मीद में रख रखता हूँ कि यही काफ़ी है। जितना करना चाहिए था, जितना कर सकता था मेरे हिसाब से मैंने किया है, और मैंने बाकी जो बच्चे लोगों के एक रास्ता भी दिखा रहा है कि आपका रास्ता इसी नहीं हो सकता है, आपको टफ रहना है, आपको हार्ड रहना है और आपको जीतना है। सुजी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बढ़िया दिलचस्प जवाब दिया था। आपने कहा था क्रिकेट में पैसे ज़्यादा है लेकिन हॉकी में हम दिल जीतते हैं करोड़ों भारतवासियों के लिए, तो क्या क्या महसूस करते हैं? देख फिनेंशियली हम लोग इतना ऊपर नहीं है, बट आप कहीं भी चले जाओ आपको एक हॉकी फ़ैन मिलेगा, वो बोलेगा भाई आपने बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक भूखा बंदे को खाना मिलने के हिसाब से वो दिल को खुश कर देता है और आपको लगता है कि हाँ यार आप आसान काम नहीं कर रहे हो। श्री, टॉक अबाउट लाइफ ऑफ अ गोलकीपर। देख अच्छा, इट्स रियली हार्ड यार। मैंने एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ देख लो, मैं बहुत टाइम खेला हूँ हॉकी, बहुत बार बाहर बैठा हूँ, सेकंड गोलकीपर होते बैठा हूँ, स्टैंड बाय होते बैठा हूँ, फिर जब मौका मिला मैंने खेलने लग गया, बहुत मैचेस हारा हूँ, बहुत मैचेस जीता हूँ, बट आप देख लो कितना मुश्किल का वक्त है ये, क्योंकि मेरे साथ एक गोलकीपर और है कृष्णा पटक, मेरे साथ दोनों ओलंपिक्स में 19th प्लेयर था वो। बट बीइंग ए प्लेयर आप अंदर आ सकते हो, आप खेल सकते हो, बट दोनों बार बाहर बैठना और मैच देखना और अब आपको कहीं ना कहीं अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिले, तो यही गोलकीपर्स का लाइफ होता है, टफ होता है। आपको बस बनना है तो आपको नंबर वन बनना है, आपको नंबर टू का जगह नहीं है, तो इट्स एन हार्ड थिंग। और सेकेंड चीज़ है कि आप ग्राउंड में आप एक गोल कंसीडर करते हो, आप अकेले रह जाता है और आपको किसी से बात नहीं कर सकता है, बाकी लोग बिजी रहते हैं मैचेस खेलने में, तो आप हॉकी के अंदर एक डिफरेंट गेम खेलते हो। तो मेरे हिसाब से इट्स टफ टू बिकम अ गोलकीपर, बट जो गोलकीपर है वो रियली टफ है। आप इंटरेक्शंस कन्वर्सेशंस करते हैं गोल पोस्ट के साथ, ये कब से कर रहे हैं एंड व्हाई गोल पोस्ट, कांट यू कन्फाइड इन वन ऑफ योर टीममेट्स, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? गोलकीपर, गोल पोस्ट ऐसा एक जगह है जिसने वापस जवाब नहीं देता है, बस सिर्फ सुनता है, तो मुझे क्या बोलना है कैसे बोलना है मैं सब उसको बोल देता हूँ। और सेकंड थिंग, जब मैच बीच में आपको पता है कि प्लेयर्स हमेशा बिजी रहते हैं, वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के बात करें, तो मैं जहाँ पे हूँ मेरा घर है वो, तो मैंने अपना घर से अच्छा से बात कर लेता बस। एंड हाउ इमोशनल और हार्ड इट इज टू गो, क्योंकि आज टीम जो था आपको कंधों में उठा रही थी, और किस तरीके से आप टीम का लास्ट क्या बात करी आपने उनसे, तो किस तरीके से देखते हैं आज का जो मैच? देख इमोशंस, देख अभी मैं खुश हूँ, मेरे जितना भी इमोशन था गोल बॉस में या ग्राउंड में मैंने ख़त्म कर दिया, एंड इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। मैंने कंट्री के लिए एक मेडल जीता हूँ, अभी वापस जाना है, घर वालों के साथ पूरे देश के साथ इसका जश्न मनाना है, तो डेफिनेटली उसके बाद जितना भी इमोशंस है बाद में निकाल देता हूँ।